हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, जो कि हिस्ट्री से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो आज के क्वेश्चन हैं वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जीके क्लासेस को और बेल आइकन दबाइए ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो आपको मिले सबसे पहले। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था फ्रेंड्स। तो जो इसके ऑप्शन है वो है, ऑप्शन ए खोखर, भट्टी, पठान, जाट। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा खोखर। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है खोखर। फ्रेंड्स, जो आज का सेकेंड क्वेश्चन है वो है कि महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था फ्रेंड्स। तो इसके ऑप्शन है वो है अलबरूनी, इब्न बतूता, आमिर खुसरो और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अलबरूनी। इसका थर्ड क्वेश्चन है वो है कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे फ्रेंड्स। जो इसके ऑप्शन है वो है वीणा, सितार, ढोलक, तबला। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वीणा, क्योंकि वीणा को बजाने में औरंगजेब काफ़ी निपुण थे। और परंतु आगे समय के साथ साथ किन्हीं कारणों से औरंगजेब के राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था फ्रेंड्स। जो आज का फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम के जारी किए गए सिक्का किस धातु का था फ्रेंड्स। जो आपके ऑप्शन है वो है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा चांदी, क्योंकि जो इल्तुतमिश है उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान चांदी के टंका और तांबे का जीतल चलाया था, जो कि पूरी तरीके से अरबी सिक्के के रूप में थे और इसमें चांदी के सिक्के को 175 ग्राम का बनाया गया था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो आज का पांचवा क्वेश्चन है वो है कि मलेविद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे फ्रेंड्स। जो इसका सही है, जो इसके ऑप्शन होंगे वो होंगे काकतेई, होयसल, चालुक्य और विजयनगर। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा होयसल, क्योंकि जो मेलबुद और बेलूर के मंदिर हैं वो होयसल के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। का छठा क्वेश्चन है वो है कि 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, जिसके ऑप्शन है वो है हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध अथवा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हल्दी घाटी का युद्ध, क्योंकि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच हुआ था। यह युद्ध इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, जो आज का सेवंथ क्वेश्चन है वो है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो इसके ऑप्शन है वो राजपूत और मराठा, राजपूत और अफगान, और अफगान और मुगल, और मराठा और अफगान। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कि यह मराठा सेना के बीच में हुआ था, मराठा सेना और अफगानी सेनाओं के बीच में हुआ था फ्रेंड्स। और जो यह विश्व युद्ध हुआ था, ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, यह सदाशिव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह की अब्दाली की अफगान सेना के बीच में हुआ था। यह युद्ध काफ़ी भयानक हुआ था, इसमें करीब 60 से 70 हज़ार सैनिक मारे गए थे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का एर्थ क्वेश्चन है वो है कि देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता था फ्रेंड्स। तो जो इसके ऑप्शन है वो है जलालुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ही, जैसे कि आपने पद्मावती पिक्चर देखी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही देवगिरी को जीता था। और यह 1204 में इन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया और यहाँ वहाँ की यादव राजा को हराकर इन्होंने देवगिरी पर अपना हक जमा लिया और उसे वहाँ से अतुल्य संपत्ति मिली, जिसके उसने अपने राजा की इच्छा बनने की प्रबल हो गई और जिसके कारण उसने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। फ्रेंड्स, जो आज का नाइन्थ क्वेश्चन है वो है कि 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया था फ्रेंड्स। जो इसके ऑप्शन है वो अलाउद्दीन खिलजी, मालिक काफूर और जलालुद्दीन फिरोज, गयासुद्दीन फिरोज। तो जो इसका ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स जलालुद्दीन तो नहीं होगा, क्योंकि जलालुद्दीन तो पहले ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मार दिया गया था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स मालिक काफूर, क्योंकि 1309 में जब मालिक काफूर ने वारंगल के खिलाफ लड़ाई की थी फ्रेंड्स, जो मालिक काफूर था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसने दक्षिण के विजय में अलाउद्दीन खिलजी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसने वारंगल के खिलाफ 1309 में अपनी जीत दर्ज की थी फ्रेंड्स। आज का टेंथ क्वेश्चन है वो है कि किताब अल हिंद की रचना किसने की थी फ्रेंड्स। जो इसके ऑप्शन है वो हैं बलबन, अलबरूनू, आमिर खुसरो, इब्न बतूता। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अलबरूनू, अल
बरूनी फ्रेंड्स, क्योंकि अल बरूनी जो हैं वो जब भारत आए थे तो उन्होंने वहाँ के भारतीय संस्कृति के बारे में अध्ययन किया, तो फिर उन्होंने किताब अल हिंद की रचना की थी फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी सुविख्यात हुई थी। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे वो बताइए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स।